आप शिद्दत से चाहो, उसको पूरी कायनात आपसे मिलाने की क्या करती है? क्या करती है? साजिश करती है, और मैं आज यहां खड़ी हूं। That's a magic that happens with forever, right? Hello everyone, myself Preeti Sharma, मैं जम्मू से belong करती हूं, temple city, और एक छोटी सी लड़की जिस
एग्जाम्स की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लो, और उनसे मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते थे। मैं एक इंसिडेंट जरूर सुनाऊंगी कि मेरे कितने बड़े सपने थे। हमारे घर पे कोई गाड़ी नहीं, और जब भी हमें किसी शादी में जाना होता था ना, तो हम किसी को कहते आपकी गाड़ी में जगह है जी, हमें ले जाना। कहते हैं ना हम में से भी बहुत सारे लोग किसी की गाड़ी बुक करा के शादी में जाते थे। मुझे बड़ा चुभता था, आपको नहीं चुभता होगा, मुझे चुभता था यार। क्या ऐसा क्या करूं मैं, कहां मेहनत करूं कि मेरे भी सपने पूरे हो। मुझे देनी है अपने पेरेंट्स को गाड़ी, मुझे पेरेंट्स को देना है एक बहुत अच्छा घर, पर वो कैसे पॉसिबल है 5 साल के अंदर? 5 साल में तो शादी हो जानी है, फिर सारा कुछ तो इंदौर का है, कैसे करूंगी मैं बहुत होपलेस थी। मैं अपने सारे सपने मार चुकी थी। मेरी जो होप थी वो डेड थी कि बस 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी और उससे सिर्फ शादी होगी। सिर्फ ये बोझ कम कर सकती हूँ मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 18-18 घंटे पढ़ती थी, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन 2018 में मुझे एक इंसान मिले, मैं उनको देखता ही कहूंगी, मेरी अपलाइन मिस्टर नितिन बजाज। उन्होंने मुझे एक होप दी, उन्होंने मुझे एक रे ऑफ होप दी। मैं जिस दिन फॉरएवर की प्रेजेंटेशन सुन के आई थी, मैं 5 दिन तक सोई नहीं। मुझे इतनी खुशी थी कि वाकई में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं 5 साल के अंदर वो सारे ड्रीम पूरे कर सकती हूँ जो मैं सोचती थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था। आप सब लोग बहुत लकी हो, आपको फॉरएवर के बारे में पता है। लाखों लोग बैठे हैं बाहर जिनको पता नहीं है। लकी हो ना आप लोग, राइट? मैं अपने विल भगवान को आज भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। मेरा ये पहला दिन, फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी वहीं पे बैठे, और पीछे जो लोग बैठे ना, सबसे लास्ट में बैठ के मैंने ट्रेनिंग देखी थी। अब देखते हैं रेड शर्ट में, रेड फॉरएवर ऑफिस में मैंने ज्वाइनिंग हुई, मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की और बहुत एक्साइटेड थी। मुझे पता था फॉरएवर से मुझे क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। 5 दिन मैंने पूरी प्लानिंग की, बिना किसी को बताए मैंने पार्ट टाइम अपनी स्टडीज के साथ इसको शुरुआत कर दी। और जिस दिन मुझे एक ऐसा ही इवेंट अटेंड करने का मौका मिला था, 3 महीने के अंदर मैंने एक डिसीजन लिया, एक बोल्ड डिसीजन कि मुझे फॉरएवर को एज ए करियर कर। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म मैंने सहा, फैमिली से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने खुद को सपोर्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर था फॉरएवर मुझे क्या दे सकती है। वो मेरे सपने थे और मुझे ही करने थे। 3 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, और इस दिन के बाद जैसे आज सुपरवाइजर देखे आपने, जितने भी सुपरवाइजर देखे मैंने भी इसी तरह सुपरवाइजर कंप्लीट किया और उस दिन एक ऐसा डिसीजन लिया। आज के बाद, फिर उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने उस दिन के बाद कोई किताब खोल के पढ़ाई नहीं की। मैंने एक डिसीजन लिया कि जिंदगी भर एक ही काम करना है, दैट इज फॉरएवर डिवाइन प्रोडक्ट्स। मेरा फर्स्ट ईयर से, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे ना, मेरा फर्स्ट ईयर से ड्रीम था मुझे आईफोन लेना, और ये सिर्फ ड्रीम नहीं था, मैं दिल से चाहती थी मैं उसको यूज कर। कहीं ना कहीं जब मैंने 4-5 महीने के अंदर अपना ड्रीम खोल लिया, तो मुझे एक रियलाइजेशन कि 5 महीनों में अगर 60 हजार का फोन आ सकता है, क्या 2 साल के अंदर 10 लाख की गाड़ी नहीं आ सकती? ये फोन आज खराब है, लेकिन आज भी मेरे पास फोन पड़ा है क्योंकि इस फोन ने मुझे इतनी बड़ी पावर दी कि नहीं प्रीति तो कर सकती है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, मैंने वो बिलीव किया, जर्नी स्टार्ट की। छोटे छोटे चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगी कैसे आए। आप सब लोग आज बहुत दूर से आए, कोई लद्दाख से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया है, हम भी इसी तरह से बसेस में आते हैं। चैलेंजेस फेस हुए, क्रिटिसिज्म हुआ। एक लड़की जब 10 लड़कों से मिलती है तो आपको पता है क्या क्रिटिसिज्म होता है। मेरे पापा तो कहते थे आपसे कौन शादी करेगा, मम्मा और पापा में लड़ाइयाँ होती थी इसलिए अपना करियर खराब करके। इस लड़की ने ऑफिसर बनना था कि क्या
ज्यादा रखा की मेरी जिंदगी। इसमें मैंने कहा है कि आज का दिन बहुत बुरा था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है एक दिन सक्सेस मिलेगी। ये वीडियो उस विश्वास, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियो मेरा विश्वास है कि मुझे इस प्रेस सिस्टम पे कितना बिलीव है कि वो उस दिन भी वीडियो बनाया था। लड़ाई हुई थी मम्मी पापा के बीच में सिर्फ मेरी वजह से। ये क्या कर, कल तूने ऑफिस नहीं जाना कैसे, फिर भी मैं दूसरे दिन ऑफिस में थी क्योंकि वो मुझे प्यार करते, लेकिन मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस दिन ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपको चैलेंजेस आएंगे, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है आप कुछ नहीं करेंगे लोग तब भी बोलेंगे, आप करेंगे लव लोग तब भी बोलेंगे, तो उनकी टेंशन नहीं लेंगे। और सबसे बड़ा दुख तो क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा दुख पता कब होता है, जब अपने कुछ बोलते हैं। जिनसे हमें फर्क पड़ता है, जो वो लोग कुछ बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने उस चैलेंजेस को बहुत बोल्डली फेस किया, सारे चैलेंजेस को बोल्डली फेस किया क्योंकि मेरे यहाँ पे फॉरएवर क्लियर, क्योंकि जो चीज फॉरएवर से मिल सकती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर इसी स्टेज पे लुधियाना में पंजाब सक्सेस डे में अचीव किया, फिर एक साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर अचीव किया और अप्रोक्स 6 फिगर की इनकम को मैंने क्रॉस किया। अब इतने सारे चैलेंजेस फेस होने के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और ये एक साजिश ही थी जब भगवान ने, बहुत सारे लोगों ने, मैं जो सोचो जो जो चीजें आप सोचते हो ना आज आपके साथ गलत हो रही है, उन्हीं चीजों की वजह से शायद मेरा मैनेजर निकला। मेरे डाउन मंथों में लोग बोलते थे मैम तो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, मैम का तो मैनेजर हुआ ही नहीं। मतलब डाउन लाइन क्रिटिसिज्म, अपलाइन क्रिटिसिज्म, सोसाइटी क्रिटिसिज्म, घर पे क्रिटिसिज्म, लेकिन खुद पे मुझे बहुत बिलीव था और उस भगवान पे बिलीव था। अब ये मेरी जर्नी थी, अब तो मैंने कहा अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे सपने पूरे करने से, अब तो मैं मैनेजर हूं। और मेरा चौथा फोर्थ चेक 1,20,000 अप्रोक्स 6 फिगर क्रॉस हो गया था। और उसी दिन गाड़ी की प्लानिंग हो गई थी कि कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की लेनी है और कौन से नंबर की लेनी है, ये प्लानिंग डन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ जो शायद, जिसने शायद मेरा दिल तोड़ दिया। बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट करती थी मैंने घर पे कि ये होगा ये होगा, लेकिन डिफिकल्ट टाइम आया जिसने मुझे बिटर नी बेटर बनाया। हमारी स्टेट में 7 महीने के लिए इंटरनेट बंद हो गया और मैं, हम आपको पता है, हम इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, मेरा 50% बिजनेस उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम के थ्रू चलता था। और टीम कहती मैम इंटरनेट चलेगा तो करेंगे स्टार्ट। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी यार, इतनी मेहनत, इतना क्रिटिसिज्म से के मैंने वो अचीव किया, अब ये क्या हो गया। मैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं चलता तो क्या हुआ, ऑफलाइन करेंगे हम लोग। ऑफलाइन बिल्ड करना शुरू किया, फिर से शुरुआत की, ठीक है, ऑफलाइन बिल्ड करना, ऑफलाइन मीटिंग्स लगाना शुरू किया, ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है आप पढ़ सकते हैं, माई ड्रीम्स आर हेल इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई डोंट अलो एनीवन एनीथिंग इवन मी टू कम इन बिटवीन। ये उस टाइम की फोटो है और नीचे आप अखनूर देख पा रहे हैं। ये अलग अलग लोकेशन पे जाके मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की अकेले। लोग कहते ना कौन साथ देगा आपको, खुद साथ देना पड़ेगा अपना, कोई नहीं साथ देगा। ट्रेनिंग देना शुरू किया, दोबारा बिल्ड किया, दोबारा 1 जनवरी 2020 का जो मेरा इनकम था वो 6 फिगर था। अगेन मैंने कहा अब तो कोई रोक नहीं सकता ना, ऑफलाइन कैसे बंद हो जाएगा भाई, अब तो गाड़ी पक्का आई है 1 साल के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा। अब देखो जब सेकेंड टाइम आपका सपना टूटता है ना कैसा लगता है। जब हम प्लानिंग कर रहे थे गाड़ी की, वो सर ऐसे कहते कल से ऑफिस नहीं आते, वो घर जाके लेटरली मैं वो दिन नम, क्या हो रहा है
about how reason पता होना चाहिए why. कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज हुई, हमारी स्टेट में नेट चल पड़ा, टू जी सर्विस के साथ हमने अगेन बिजनेस बिल्ड किया. स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस को बिल्ड करना, ठीक है, लेकिन अगेन एक और चैलेंज, कुछ अप्लाइंस का चैलेंज आया और मैं बहुत मतलब आई फील लाइक कि मैं अनाथ हूँ. मैं बता भी नहीं सकती उस एक्सपीरियंस को कि कितना टफ टाइम था वो हमारे लिए. शायद कोई और होता तो फॉरएवर छोड़ देता, लेकिन मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मनदीप सर को. सर से बात हुई, सर ने वीडियो कॉल पे हमसे बात की, सर ने एक भरोसा दिलाया. सर का एक वर्ड मुझे आज भी याद है कि मैं आपके साथ हूँ. आप सिर्फ मेहनत करो. उस मुश्किल टाइम में सर ने हमें संभाला, सर ने गाइडेंस दी. सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग शुरू की, सर रोज सुबह हमें इतना चार्ज कर देते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था पूरा दिन कैसे निकल गया. इतनी मेहनत की. 2G सर्विस के साथ भी हमने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्टअप किया, जिसका शेयर मैं सिर्फ मनदीप सर को दूंगी. उन्होंने सॉलिड बिजनेस करना सिखाया, बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग सिखाई, इतनी अमेजिंग लर्निंग सिखाई. लोग कहते हैं ना मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन मीटिंग्स करूं. ये क्वालिटी देख सकते हो आप ऑनलाइन मीटिंग की, क्या मेरे पास अच्छा फोन है? कहते हैं ना बहुत सारे लोग मेरे पास तो अच्छा कैमरे का फोन ही नहीं है, मैं कैसे मीटिंग करूं. ऐसे मीटिंग्स करना शुरू की थी, व्हाट्सएप पे जूम पे खुद करना शुरू की थी मैंने. बिजनेस बिल्ड किया 2020 में और 2020 एक लर्निंग ईयर था, कोई लेवल नहीं निकला मेरे टीम में. लेकिन 2021 हमारे लिए अचीवमेंट है, जहां पे हमने ना ही 6 फिगर को अर्न किया, 1.5 लाख की इनकम को मैंने क्रॉस किया. और उसके बाद जब 1.5 लाख की इनकम आती है तो क्या होता है? मिलियनेयर होता है. मिलियनेयर क्लब 2021-22 में मैंने कंप्लीट किया, 10 लाख से ऊपर की सालाना इनकम. अब गाड़ी आएगी या नहीं आएगी? फाइनली द डे कम. एक स्टूडेंट जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए 2021 में, उसने अपनी खुद की गाड़ी कलर. और इस गाड़ी का नंबर कोई बताना चाहेगा मुझे? अभी यहाँ पे नंबर कोई बताना चाहेगा क्या नंबर है इस गाड़ी? बॉस 8055 इज माई ड्रीम नंबर. और 3 महीने वेट किया, वही नंबर तो वही लगेगा. और अपने फेवरेट पर्सन को गिफ्ट किया. आज हम दूध लेने भी जाते हैं तो शायद गाड़ी में ही जाते हैं, शादी तो नहीं करा. ये मेरा प्राउड मोमेंट है, आप देख सकते हैं कि हमने केक काटा गाड़ी के लिए. और कहते हैं सपना एक देखो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी. और आज इस स्टेज पे मैं कमिटमेंट करती हूँ कि आज एक गाड़ी आई है बॉस नंबर की, लेकिन इतिहास कहते हैं ना कुछ लोग मुश्किलों से हार जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं. आज इस स्टेज से इतिहास लिखा जाएगा. बॉस नंबर की गाड़ियां आने वाले 10 साल में कितनी होगी ना? 10,000 आने वाले 10,000. लाइफस्टाइल चेंज हुआ, सब कुछ बदल गया, पूरी जिंदगी मैं कहती हूँ कि मेरी बदल गई, सिर्फ फॉरएवर लिविंग के बदल गया. और थैंक्स टू मनदीप सर जिन्होंने हमें इतनी अल्टीमेट गाइडेंस दी. आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ मनदीप सर की वजह से. उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि जिनका जिन्होंने पैदा किया था मैं उनका नाम रोशन कर पाई. एंड वी आर नॉट हेयर, वी आर क्रिएटिंग लीडर्स. मैं सिर्फ मेरी टीम में मैं इनकम नहीं अर्न करी, मेरी टीम में 5 मैनेजर हैं जो अप्रॉक्स 6 फिगर इनकम को एंजॉय करते हैं. और अगले साल आप इन सबकी भी बॉस नंबर गाड़ियां देखोगे. ट्रेनर बनी, बहुत सारे ट्रिप्स कंपनी ने दिए, अमेजिंग लाइफस्टाइल. और मैं कुछ दिखाना जरूर चाहूंगी कि आज
आप फोकस रखें अपनी जर्नी में, खुद पे बिलीव रखें, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अपने कमिटमेंट्स और अपने ड्रीम्स को पूरा करें और एंड में सिर्फ